वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपडेट के बारे में कि आप कलेक्शन के अंदर जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी वैल्यू को अपडेट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस के अंदर चले जाते हैं, डेमोज। अब अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, डीबी डॉट अपडेट, अपडेट नहीं कलेक्शन का नेम, यूजर्स डॉट अपडेट। इसके अंदर जो पहला पैरामीटर होगा वो होगा कंडीशन। आपको किस कंडीशन पे अपडेट करना है, जैसे कि हमें अपडेट करना है जिसका भी डेटा है, जिसकी ईमेल आईडी डमी टू होनी चाहिए, ठीक है, उस रिकॉर्ड के एज को अपडेट करना है। तो जिसकी भी ईमेल आईडी ये होनी चाहिए उसको अपडेट करना है। इसके बाद दूसरा पैरामीटर, उसको ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ डॉलर सेट कॉलन, उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसमें किस वैल्यू को अपडेट करना है, आपको एज अपडेट करनी है। एज कितनी करनी है, जिसकी एज कितनी है 30, तो इसको कर दो भाई 31 कर दो। ये एंटर करा, इसने क्या करा, इसने देखा मैच कितने मैच हो रहे हैं, 1 रिकॉर्ड मैच हो गया और इसको मॉडिफाई कर दिया उसने। यहाँ पर हम जाएंगे तो ये देखो इसकी एज जो है 31 होगी। अब मैं चाहता हूँ एज भी चेंज करनी है और नेम भी चेंज करना है, तो उसकी इसमें आपको यहाँ पर एज कर दो वापस से 30 और कॉमा लगा के एक और फील्ड चेंज करना है, नेम उसको करना है हमें डमी सिंह। ये मैंने एंटर करा, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया। इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो एज 30 हो गई, ये डमी 2 हो गया। अच्छा, ये तो होता है आपका अपडेट। अगर आपने नॉर्मल लिख दिया तो ये केवल एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करेगा। अगर मान लो इस कंडीशन के 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं आपके पास तो ये फिर भी एक को अपडेट करेगा, मल्टीपल को नहीं करेगा। मैं समझाता हूँ आपको वाली चीज़। जैसे डी बी यूजर्स डॉट फाइंड, मेरे को फाइंड करना है नेम जिसका डमी डेटा हो। तो देखो डमी डेटा के रिकॉर्ड 2 हैं हमारे पास, ये रहे, इसमें भी डमी डेटा है, इसके डमी डेटा है। तो हमें क्या करना है, जिसका भी डमी डेटा हो ना उसकी जो एज है वो हो जाए 26। अब ये चेक करते हैं, यूजर्स डॉट अपडेट, कंडीशन लगाते हैं कि जिसका भी जो नेम है, जो डमी डेटा है उसकी जो वैल्यू है सेट करते हैं सेट, उसकी जो एज है वो हो जानी चाहिए आपकी 21 हो जाए। चलो ये मैंने एंटर करा, हिट करा, तो देखो रिकॉर्ड इसने केवल एक ही अपडेट करा है। यहाँ पर हम जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो देखो फर्स्ट वाले रिकॉर्ड ही अपडेट करा है, जबकि रिकॉर्ड इसके 2 मिलने चाहिए ना, डमी डेटा इसके पास भी और इसके पास भी है। इसने दूसरे वाले को अपडेट नहीं करा, क्यों, क्योंकि हमने अभी परमिशन नहीं दी इसको कि तुम मल्टीपल डेटा को अपडेट करो। मल्टीपल को अपडेट करने के लिए आपको एक और पैरामीटर ऐड करना होता है, जो कि आपका तीसरा पैरामीटर होता है कोमा। उसमें आपको क्या करना है, मल्टी लिख के उसको ट्रू कर देना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जिसकी भी एज डमी डेटा हो, एज नहीं, जिसका भी नेम डमी डेटा हो उसकी जो एज है वो कर दें 40 कर दें। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये देखो इसने रिकॉर्ड 2 अपडेट कर दिए, मॉडिफाइड 2। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, जिसका भी डमी डेटा है उसकी एज 40 हो चुकी होगी, तो ये देखो 40 कर दी ना इसने। तो इसने क्या करा है, हमें जो क्या करना है, हमें जो एक और पैरामीटर है तीसरा वाला उसमें डाल देना है मल्टी ट्रू। तो पहले के अंदर होता है आपका कंडीशन, दूसरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यू को अपडेट करना है, और तीसरी वाली कंडीशन होती है आपकी कि आपको सिंगल रिकॉर्ड अपडेट करना है या सारे रिकॉर्ड अपडेट करने हैं, तो उसके लिए आप मल्टी ट्रू कर दो। ठीक है दोस्तों, बस आज की वीडियो में यही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।